नमस्कार, वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। ये वीडियो हिंदी में मैंने बनाए हैं। मलेशिया के लिए स्वीट मेकर चाहिए, उसका बारे में ये वीडियो है। माय डियर फ्रेंड, जो स्वीट मेकर ज्यादा बैयालो के बलता है ना, मतलब यूपी एमपी राजस्थान, ये लोग को स्वीट बनाने के लिए अच्छी तरह आता है, इसलिए मैं ये वीडियो हिंदी में बनाया है। दोस्तों, ये स्वीट मेकर्स मलेशिया के चाहिए, पूरा रेस्टोरेंट, बेकरी, कैफे, मतलब कॉफी शॉप, हर एक जगह में स्वीट मेकर का जरूरत होता है मलेशिया में। ओके, मैं बताता हूँ। मतलब इधर है ना, हमारा बहुत सारा होटल्स, रेस्टोरेंट्स, रिसॉर्ट्स, फुटपाथ का जो है, सब लोग को मिलके उधर एसोसिएशन है मलेशिया में, उन लोग का उनका संबंध है, उन लोग का बताता हमेशा ये ऐसा वाला चेफ, कुक, स्वीट मेकर्स, किचन हेल्पर, वेटर्स, सप्लायर्स, ऑर्डर टेकर्स, ऐसा कुछ ये रेस्टोरेंट होटल का रिलेटेड काम आता है ना, मेरे को हम लोग को देता है, इसलिए हम लोग अभी ये स्वीट मेकर्स मिलेगा नॉर्थ इंडियंस। ठीक है, जो पढ़ा लिखा कोई जरूरत नहीं, ईसीआर ईसीएनआर जरूरत नहीं, नो प्रॉब्लम, एक्सेप्टेड, क्योंकि मलेशिया में जाने का कॉलिंग विषय में जाता है, इसलिए वो ये विजा ही मिलता है। उधर उतरने के बाद उधर परमिट ऑलरेडी क्वाटा अवेलेबल है हर एक होटल वाला को, ठीक है ना, इसलिए उधर से परमिट आके ऐसा नहीं जाता है, क्योंकि उसमें खाली सीवी देख के करते है ना। सो कारीगर उधर पहुंचने के बाद जो काम कैसा कर रहा है उसके हिसाब से विद इन इमीडिएटली, क्योंकि सिटी के अंदर जो काम करने के टाइम विजिट वीजा में ज्यादा दिन काम नहीं कर सकता, मतलब ये जो लैंडिंग कॉलिंग परमिट बोलता है ना, उसमें ज्यादा दिन रुक नहीं सकता है, 15-20 दिन, उसके बाद तो करना ही पड़ेगा, वो कर देता है। ठीक है, वो हम जाने दे रहे, क्योंकि आप लोगों को भी काम करना है, उधर जाके भागना है ना, तो फ्रेंड का घर में जाकर रुकना है, चुपके काम करना है, वो ये नहीं चलेगा, लीगल है तो लीगल है, करेक्ट ना। उधर से सैलरी कम है, मैं दूसरा जगह जाऊं, उन्होंने मेरे को बुलाया करके भाग रहे, तो वो इलीगल हो जाएगा, उनको परमिट कोई नहीं करता है। फिर जब तक वो सिटी के बाहर और गांव में, छोटे छोटे गांव में मलेशिया के अंदर है, उधर बहुत सारा काम है, हमारा मुल्क जैसे उधर भी है, उन लोग उधर ही कोई भी छोटा मोटा काम करके उधर ही अपना जीवन, कोई कोई शादी करके उधर ही सेटल हो जाता है, इलीगल से बदलने के लिए। लेकिन हम लोग का इधर से कैसे जाया गया वैसा वापस भी आना चाहिए, एक साल, दो साल, तीन साल जो काम करके। ओके, उधर का परमिट ऐसा है, उतरने के बाद ही परमिट कन्वर्टेबल होता है, वो कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि सब काम ये सिटी के अंदर है, इसलिए ई वीजा में जाके ज्यादा महीना उधर बिना परमिट के बिना काम नहीं कर सकता, इसलिए वो हो जाएगा जल्दी। हम लोग, आप लोग इसका सैलरी देखिए, स्वीट मेकर का 1800 से 1200 मतलब 22 तक मिल रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें है ना काली थोड़ा सा जानता है, जांगरी बनाने के लिए आता है, वो स्वीट मेकर नहीं है, ठीक है ना, बहुत सारा आइटम उनको खुद बनाने के लिए आना चाहिए, इसीलिए उन्होंने स्वीट मेकर, मतलब ये दुकान में कितना आइटम है उतना बनने की कोई जरूरत नहीं, कम से कम 4-5 आइटम तो बनते हैं, तो ठीक है, उन ये कारीगर उतना ही कर सकते हैं एक दिन, ठीक है, 10 आइटम नहीं बना सकता है, इसीलिए कम से कम 4-5 आइटम उसमें है, वो आराम से आ सकता है। ठीक है, चलो, थोड़ा मेरे को कम जानता है, लेकिन जानता है कम है, तो ठीक है, जो मेनू लिख के दे दीजिए, इसमें ए आता है, फिर भी मैंने उधर से परमिट ले लूंगा, नो प्रॉब्लम, सैलरी थोड़ा कम रहेगा, 16 तक आ जाएगा, 1600, मतलब असिस्टेंट स्वीट मेकर ऐसा कोई है। ओके, धीरे धीरे बढ़ सकता है, लेकिन अच्छा कारीगर है तो 2000 के ऊपर है, 2000 हो गया तो ऑलमोस्ट 40,000 हो गए। ओके, प्लस खाना पीना तो ऑटोमेटिकली फ्री हो जाता है, ओवर टाइम कुछ कर रहा है, ओवर टाइम तो होगा उसमें, 2-3-4-5,000 तो रख लिए, 45,000 भेज सकता है, अच्छा कारीगर लो। ओके, सो घर धीरे धीरे उधर से सिंगापुर जाना है, दूसरा कंट्री जाना है, थोड़ा कमा के आके यूरोप जाना है, वो मेरा नंबर नीचे है, कॉल करके बताइए। इसमें स्वीट मेकर का देखिए और कुछ नहीं, फ्री फूड अकोमोडेशन है, ओटी इसमें हुआ है, ये प्रोसेस ही 20 डेज में पहुंच सकता है, लैंडिंग पीरियड 5-10 दिन में हो जाएगा, उसके बाद एम्प्लॉयर उधर अपना काम करेगा, एज 20 से 50 का थोड़ा नीचे, थोड़ा हेल्थी होना चाहिए, ईसीएनआर ईसीआर ओके, ठीक है ना। आप लोग आपका सीवी दीजिए हमको, मैं देख के बताऊंगा, आपका बात करूंगा, मेरा नंबर आप कॉल करिए, डिस्कस करेंगे,
फिर उधर बेच के इनको लेंगे, बोलेगा तो फिर आप पासपोर्ट जमा करना है, थोड़ा पैसा भी जमा करना है, हम वीसा अप्लाई करेंगे, वीसा आने के बाद और तुरंत देना, एक हफ्ते में डिपार्चर हो जाएगा, टिकट लेने में टिकट सब कुछ है ना, आने का जाने का प्लस वो डमी टिकट होता है, होटल बुकिंग सब दिक्कत है। लेकिन क्या है, ये अनपढ़ लोग उसमें नहीं चाहिए, थोड़ा डिसेंट होना चाहिए, ठीक है। कम से कम वेर आर यू गोइंग, टूर पर्पस जा रहा हूं, कभी आएगा, आएगा एक हफ्ते में, कैसे खर्चे के लिए पैसे वगैरह है उधर, कौन है, बहुत लोग है, लेकिन मैं जाके आऊंगा वापस, ऐसा बोलना है एयरपोर्ट में, इतना इंग्लिश में भी, ठीक है ना, क्योंकि उल्टा सीधा पूछते हैं, बराबर डरने की जरूरत नहीं, हम बोलना है क्योंकि अपना खुद का पैसा खर्चा करके जा रहा हूं, रुकने वाला कौन हुआ है, ठीक है। इसलिए ज्यादा लगेज भी नहीं रखने का, हम लेके जा रहे लगेज वो भी एग्जीक्यूटिव लगता है, शू पैंट, हाथ में एक नाइस ब्रीफ केस, ट्राली बैग, थोड़ा चश्मा पहन के, क्योंकि अब मैं बताता हूं, क्योंकि एयरपोर्ट वाला पागल लोग है, अभी पांच लोग जा रहा है, तीन लोग छोड़ता है, दो लोग वापस भेजता है, उनको भेजना है, नहीं तो डरा के फिर आपसे कितना पैसा है एयरपोर्ट से, थोड़ा वैसल करता है, अरे जाने दे दो दो चलो, ऐसा भी होता है, और थोड़ा डिसेंट अच्छा दिखता है ना उसका, उनको पूछता भी नहीं, वो गरीब लोग को पूछता है, ठीक है। इसीलिए वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, माय डियर फ्रेंड्स, स्वीट मेकर कोई है मेरे को बात करिए, मैं आपको इसका बंदोबस्त मैं कर दूंगा, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर दीजिए और सबको शेयर भी कर दीजिए, अगले वीडियो मैं जल्दी डालता हूँ, ओके।